पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा सुपरमैन हमारे फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क के चॉपर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से हमारा बेचारा फ्रैंकलिन एकदम बड़े घमासान समुंदर के बीच में जाके गिरता है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को इविल सुपरमैन किडनैप कर लेता है और उसको मारने की धमकी देता है। इस वजह से हमारा फ्रैंकलिन बहुत परेशान होता है और वो अपने टोनी स्टार्क को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी हमारा फ्रैंकलिन इविल सुपरमैन का पीछा करता है, जिस वजह से वो टोनी स्टार्क को ढूंढ ले और लावा टाइटन एंड आइस टाइटन की आर्मी को हरा सके। इसलिए सुपरमैन के पीछा करते करते हमारा फ्रैंकलिन एक और खतरनाक जगह जाता है जहां पर लावा टाइटन, आइस टाइटन, गॉडफादर टाइटन तब होते हैं। और जब फ्रैंकलिन को पता चलता है कि टोनी स्टार्क को रेड लावा टाइटन ने अपने मुंह में छुपा रखा है, तो क्या आज टोनी स्टार्क को हमारा फ्रैंकलिन बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। गाइस आज समय आ चुका है टोनी स्टार्क को बचाने का, इस लावा टाइटन को मारने का, ग्रीन पॉइजन टाइटन मारने का और साथ साथ में इस इविल सुपरमैन को एक गहरी नींद में सुलाने का। इसलिए दोस्तों मेरे भाई टोनी स्टार्क को इन लोगों ने बुरी तरह से लावा टाइटन के मुंह में रखा हुआ है। और देखिए मेरा भाई टोनी स्टार्क कैसे जल रहा है। मेरे भाई तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं तू मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा होगा लेकिन मैं तुझे देख सकता हूं। एक मिनट गाइस, ये इविल सुपरमैन तो कहीं जा रहा है, लगता है गाइस जरूर ये लावा टाइटन की किसी से बात बनाने जा रहा होगा। मेरे पास एक आइडिया है गाइस, अगर मैं लावा टाइटन के मुंह में अंदर जा सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मुझे अपना रूप पहले सिर्फ और सिर्फ इविल सुपरमैन जैसा करना होगा। आप सोच रहे होंगे मैं इविल सुपरमैन कैसे बन सकता हूं, उसके लिए मुझे टोनी स्टार्क का एक सूट चाहिए। चलो एक काम करता हूँ, जल्दी से जॉविस को कॉल लगाते हैं। जॉविस जी सर, यहाँ पर जो भी अवेलेबल सूट है वो मुझे दे दो, सिर्फ और सिर्फ मार्क वन है सर, बाकी सूट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ऐसी बात है तो ठीक है, मार्क वन को भेज दो। उसके लिए क्लिक करता हूँ, ये किया मैंने। ऑलराइट गाइस, मार्क वन आता ही होगा किसी भी टाइम में। मार्क वन कहाँ पर है, आ गया। अरे सर मैं आ गया। क्या बात है मेरे भाई मार्क वन, मेरी बात सुन, मुझे तुझे एक गेटअप देना है इविल सुपरमैन जैसा, जिससे कि मैं लावा टाइटन के मुंह के अंदर जा सकूं। ये बहुत ही खतरनाक टास्क है गाइस, हमें अपने भाई बेचारे टोनी स्टार्क को बचाना होगा। उसके लिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, एंड जितने भी बच्चे चाहते हैं आज हम फाइनली एंड करें लावा टाइटन का, सबकी बैंड बजाएं और हम जीत जाएं। कमेंट में जल्दी से 80 गेमर ओपी लिखो प्लीज किसी भी हालत में। गाइस मैं फिलहाल एक वेयरहाउस में आ चुका हूं, आ जा भाई मेरे भाई मार्क वन, तुझे अपने टोनी सर की मदद करने के लिए खुद का गेटअप चेंज करवाना होगा। बिल्कुल भाई फ्रैंकलिन, तू जैसा चाहे मुझे वैसा बना दे। ओके गाइस, मुझे ज्यादा कुछ तो आता नहीं है यहां पर टेक्निकल चीजें करना, मुझे पेंट चाहिए रहेगा, बाकी इसकी बॉडी को थोड़ा शेप देना पड़ेगा। सुपरमैन काफी फिट है। ऑलराइट दोस्तों, यहां पे काम चल रहा है पूरे 2 से 2.5 घंटे में, मैंने मार्क वन को ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसा बना लिया है। पीछे अरे बाप रे गाइस, इसके पीछे ये जो रिपल्सिव पावर्स हैं ये तो रह ही गए, मैं कुछ चीजें इसमें से रिमूव नहीं कर पाया गाइस, कहीं लावा टाइटन को मुझ पे शक ना हो जाए। ओह माय गॉड गाइस, फाइनली यहां पर मैंने अपने सुपरमैन को रेडी कर लिया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत आयरमैन जैसा लग रहा है क्योंकि मैं सुपरमैन की तरह डायरेक्ट नहीं उड़ सकता, मुझे आयरमैन की पावर चाहिए। अरे मुझे तो अपनी आवाज चेंज हो रही है, मुझे तेरे मुंह के अंदर जाना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरा मतलब क्या टोनी स्टार्क ठीक है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू इविल सुपरमैन, तू ठीक भी है? अरे बाप रे, ये तो शक कर लेगा दोस्तों हम पर। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे देखना है कि टोनी स्टार्क जिंदा है या मर गया। ठीक है देख ले जाकर। ओह माय गॉड गाइस, इसको शक हो ही गया था, लेकिन कोई नहीं अब हमें जल्दी से इसके मुंह के अंदर घुसना पड़ेगा। अरे बाप रे ये तो बहुत गर्म है, मुझे कोई बचा। अरे भाई स्टॉक में आ गया गाइस, देखिए हमारा स्टॉक ये रहा, प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से, जिसने नहीं किया हमें यहाँ से निकलना होगा। कमेंट में जितना हो सके इतना 80 गेमर ओपी लिखो, आयरन मैन ओपी लिखो और फ्रैंकलिन ओपी लिखो। अरे हट यार लावा टाइटन, मुझे निकलने दे। सुपरमैन क्या कर रहा है मेरे मुंह के अंदर? ये टोनी स्टॉक जीत कर रहा है इसलिए मैं इसको सबक सिखा रहा हूँ। ऐसा है क्या? ठीक है करता रहा है। गाइस आवाज बदलने में बैंड बन जाती है मेरी। हो भागो 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 भागो। मेरे भाई फ्रैंकलिन ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, मैंने तुझे बचाने के लिए किया है। अरे बाप रे मुझे माफ कर दे, मैं बच नहीं पाऊंगा। ऐसे मत कह टोनी स्टार्क। गाइस टोनी स्टार्क में आग लगी हुई थी, मैंने पहले इसकी आग बुझा ली। ऑलराइट दोस्तों अब जल्दी से हमें टोनी स्टार्क को उठाना पड़ेगा। टोनी स्टार्क उठ जा मेरे भाई, प्लीज उठ जा, उठ जाना मेरे भाई टोनी स्टार्क, प्लीज ऐसे मत छोड़ के जा। आज ना हम लावा टाइटन को नहीं छोड़ेंगे, उसकी आर्मी को भी नहीं छोड़ेंगे फ्रैंकलिन। मैं ठीक हूँ मेरे भाई, तू चिंता मत कर, तू सही कह रहा है, बहुत हो गया, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे बाप रे गाइस, इस सूट ने बचा लिया। ये सूट काफी अच्छा डिजाइन किया तूने, मैंने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, लेकिन हम करें क्या? मैं चाहता हूँ तू अपनी बची कुची पावर्स का इस्तेमाल करे, मैंने सुना है तेरे अंदर गॉड की पावर्स है, तुझे याद है हमारे ग्रीन दद्दू ने बताया था। बिल्कुल, लेकिन वो पावर्स एक्टिवेट कैसे करूँ? मैं जानता हूँ वो पावर्स कैसे एक्टिवेट।
रीड करनी है। अरे बाप रे, मैं बहुत बड़े बहुत ही पुराने वाले ग्रंथ पढ़ने गया था। ये क्या रे, ये तो इविल सुपरमैन है बाप रे, इसको कहां से लेके आया तू? अरे ये इविल सुपरमैन नहीं है, ये उसके जैसा हमशक्ल माकवन है। ऐसी बात है, मैं तो डर गया था। मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, तुम्हें किसी भी हालत में वो आइस टाइटन एंड लावा टाइटन की पावर्स चाहिए होंगी, जिससे कि तुम अपनी पावर्स को बाइंड अप करके उसको एक्टिवेट कर सको। तो इविल सुपरमैन की नहीं चलेंगी क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ये कर रहे होगा बच्चे। मेरे पास एक फ्लैन है फ्रैंकलिन, मैं जाता हूँ, मुझे जल्दी जाकर सुपरमैन को नींद में सुलाने के लिए ग्रीन पॉइजन टाइटन का पूरी सगड़ा वाला एकदम पॉइजन चाहिए। इसलिए गाइस मैं तो जल्दी जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से सुपरमैन को नींद में सुलाना होगा। गाइस इसका मतलब मुझे समझ आ गया है, अगर मुझे किसी भी हालत में लावा टाइटन एंड आइस टाइटन की पावर्स मिल जाए तो दोस्तों मैं उन पावर्स का इस्तेमाल करके इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं सारे के सारे टाइटन्स को हमारी दुनिया से भगा दूंगा। ये टास्क बहुत ही हार्ड है लेकिन मैं करके रहूंगा। स्टार्क भी असल में उसी वाले आइलैंड पे जा रहा है जहां पर मैं जा रहा हूं। असल में उसको ग्रीन पॉइजन का बहुत ही खतरनाक वाला पॉइजन चाहिए, क्योंकि उस टाइटन में ऐसा पॉइजन है जिसके इस्तेमाल से दोस्तों सुपरमैन को एक गहरी नींद में डाला जा सकता है। हालांकि डायरेक्ट पॉइजन को उसके ऊपर डालोगे तो नहीं होगा, टोनी स्टार्क उसका एंटीडोट बनाएगा, इसलिए वो गन को लेकर गया है और अपने आप को लेकर गया है। लेकिन गाइस यहां पर मुझे भी एक मिशन करना होगा। मेरा मिशन ये है कि मुझे आइस टाइटन एंड लावा टाइटन की थोड़ी थोड़ी पावर चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं पूरे टाइटन्स को हरा सकूं। इसलिए दोस्तों आज आप सभी कहीं मत जाइएगा, आज हम इस सीरीज का फिनाले करके देखने वाले हैं। एक मिनट गाइस, यहां पर अभी भी वही डिस्ट्रक्शन चल रहा है। ओह माय गॉड, दोस्तों देखिए लावा टाइटन ऑलरेडी आधी से भी ज्यादा मरी हुई हालत में। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बहुत चोट लगी हुई है। नो गाइस आईडिया, एक मिनट, आइस टाइटन एंड लावा टाइटन का जो फादर है वो ये है, तो क्यों ना गाइस मैं गॉड फादर टाइटन की पावर्स ले लूं, क्योंकि इनके फादर के पास दोनों पावर्स थी। हाँ, आइस टाइटन की भी थी और लावा टाइटन की भी। तभी देखिए गाइस वो आधा ब्लू है आधा रेड है। तो दोस्तों मुझे अब यही करना होगा, अगर मैं लावा टाइटन और आइस टाइटन की पावर चुराने बैठा तो दोस्तों मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं ना एक काम करता हूं, मरे हुए टाइटन की पावर्स छीन लेता हूं बची कुची। ऑलराइट गाइस, मैं छुप छुप के जा रहा हूं, एक बार मुझे पावर्स मिल जाए मेरे अंदर ऐसी शक्ति आएंगी जिसका इस्तेमाल करके मैं इन सारे टाइटन्स को हरा दूंगा। आप सब भी शॉक हो जाएंगे, मैं खुद हो जाऊंगा, इसलिए हमें साथ में काम करना पड़ेगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ। ये झटके क्यों लग रहे हैं? अरे याद है, अरे अरे बाप रे, ये आइस टाइटन बेशक मर चुके हैं लेकिन इनमें शक्ति अभी भी है। अरे बाप रे गाइस, ये आइस टाइटन तो लाइटनिंग टाइटन भी है। अरे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन रुक जा, मैं आ रहा हूँ तेरी मदद करने। फ्रैंकलिन रुक, ओह माय गॉड गाइस स्टक आ गया। फ्रैंकलिन हां बिल्कुल, मैं असल में ग्रीन पॉइजन टाइटन के पास था, वो मुझे हर चंद चाली भाई वो लेने ही नहीं दे रहा है पॉइजन। मुझे उसके मुंह के अंदर जाके एक बॉटल में उसका पॉइजन लेना पड़ेगा, जिससे कि मैं एंटीडोट बनाऊं सुपरमैन को सुलाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है तू, तो भाई तू वो वाला काम कर, मैं ये वाला करता हूँ। तो गाइस चलो जल्दी चलते हैं, सामने आपको दिख रहा है वो ग्रीन वाला टाइटन, वो एक पॉइजन टाइटन है, मुझे उसका जहर चाहिए। जहर का इस्तेमाल करके मैं एक ऐसा एंटीडोट बनाऊंगा जिसके इस्तेमाल से हम इविल सुपरमैन को नींद में सुला सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने किसी और तरीके से ये काम किया था लेकिन इस बार मुझे यही सोल्यूशन मिल रहा है। तो गाइस मुझे इसके मुंह के अंदर आके इसके पॉइजन को एक बॉटल में भरना होगा। अरे बाप रे, इसके मुंह तक पहुंचना बहुत ही हार्ड काम है दोस्तों, लेकिन हम करके रहेंगे। निकल जाए यहां से स्टार्क, चला जा वरना तुझे मार दूंगा। मुझे जाने दे अंदर, समझा तू? ये बार नहीं गाइस। कमेंट में जल्दी से टोनी स्टार्क ओपी लिखो या फिर आयरन मैन ओपी, मैं तो मर जाऊंगा ना। ये तो बहुत ही बुरा मार रहा है। अरे बाप रे गाइस, स्टार्क की यहां तक चीखने की आवाजें आ रही हैं। गाइस हमें जल्दी से अपना मिशन भी पूरा करना होगा। गाइस स्टार्क अपनी जान पर खेलकर उस टाइटन पॉइजन वाले का पॉइजन चुराना चाह रहा है, तो मैं भी यहां पर इस गॉडफादर टाइटन की पावर्स चुरा लूंगा, जो कि लावा टाइटन एंड आइस टाइटन की दोनों की पावर्स होंगी। अरे एक मिनट, ये क्या, ये तो इविल सुपरमैन है। कैसा है फ्रैंकलिन? मैंने सुना तूने मेरा रूप लेकर उस टोनी स्टार्क को बचा लिया। टोनी स्टार्क बचा मुझे, वो कीड़ा तुझे क्या बचाएगा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। नो 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 नो, छोड़ दे मुझे ना। अरे बाप रे, तो बहुत हार्ड है। तो अब बताओ बरखुरदार, क्या सेवा की जाए तुम्हारी? चला गया कीड़ा, कोई बात नहीं है, मजा आ गया खेलने में उसके साथ। अरे बाप रे ना, ये बहुत खतरनाक है। कैसा लगा फ्रैंकलिन? ये मेरा नया करिश्मा है, करिश्मा। बहुत हो गया तेरा करिश्मा, छोड़ दे मेरे को। गाइस पूरा काला पीला कर दिया इसने मुझे, जल्दी भागता हूं मैं। ओके ओके लेट्स गो। अरे बाप रे, छोड़ मेरे को। ओके मैं इन पावर्स का इस्तेमाल करूंगा, स्पाइडरमैन की पावर्स है, मुझे इन्हें दीवार पे चिपकना होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे नहीं गाइस, मैं क्या करूं, मैंने 10-15 बार कोशिश कर ली, मैं उस टाइटन पॉइजन का पॉइजन नहीं ले पा रहा हूं। क्या करो क्या करो क्या करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत हो गया। ए तुम लोग मेरी मदद करोगे? हैं भैया, हम क्यों मदद कर रहे हैं, भाड़ में जाओ। अरे गाइस यार, ये लोग तो मेरी मदद ही नहीं कर रहे, हटो यहां से, निकलो। अरे भैया यार, मदद नहीं कर रहे तो मारोगे? बिल्कुल मारूंगा बेवकूफ कहीं के। तो
गाइस चलो जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं और जाकर इस बार इस टाइटन, अरे अरे बाप रे, यस गाइस, यस आई डिड इट, अरे वाह, मैं इसके मुंह में घुस गया। गाइस अब इससे पहले कि ये उल्टी करके मुझे बाहर निकाले, मैं जल्दी से बॉटल में पूरा का पूरा इसका पॉइजन स्टोर कर लेता हूं। टोनी स्टार्क बाहर निकल मेरे मुंह से, क्या बात है गाइस, मैंने इस शीशी में मतलब इस बॉटल में इसका पॉइजन भर लिया। कम ऑन, मुझे जल्दी से यहां से जाना होगा, इस वाले आइलैंड से दूर। मैं जल्द से जल्द गाइस वापस लौटूंगा ऐसा एंटीडोट बनाकर जिससे कि गन का इस्तेमाल करके मैं इस ईविल सुपरमैन को सही समय पर बेहोश कर दूं, बस हमारे फ्रैंकलिन में पावर आ जाए जिससे वो लावा टाइटन की आर्मी को हरा डाले। ऑलराइट दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं, अब जल्दी जल्दी से मुझे यहां पे एक मैजिक पोर्टल के थ्रू किसी भी हालत में आइस टाइटन एंड लावा टाइटन की पावर्स को चुराना होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हे फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है ये तो? अरे दोस्तों, इसको पता ना चल जाए। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। झूठ बोलता है, कीड़े बाहर निकल वरना जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, एक मिनट, ये क्या गाइस, वाह मैंने पावर्स ले ली। ये क्या है तेरे पास? ओह माय गॉड गाइस, लुक एट मी, ये तो वही पावर्स हैं जिन पावर्स का इस्तेमाल करके मैंने आइस गॉड को हराया था। नहीं, ये क्या फ्रैंकलिन, ये पावर्स तुझ में कैसे आ गए? क्योंकि मुझे पता चल गया इन पावर्स को लेने का राज, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा लावा टाइटन और तेरी फैमिली को भी। नहीं नहीं फ्रैंकलिन, ये नहीं कर सकता, सुपरमैन बचा हमको। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। इसी बात पर गाइस फ्रैंकलिन गॉड ओपी हो जाए। कम ऑन गाइस, साथ में सारे बच्चे लिखो फ्रैंकलिन गॉड ओपी। नहीं फ्रैंकलिन, तू गलत कर रहा है ना, छोड़ मुझे। ये देखिए गाइस क्या खतरनाक पावर है। नहीं गाइस, मैंने तो डिस्ट्रक्शन कर दिया, चारों तरफ आग ही आग है और पिछली मैंने सोचा भी नहीं था मेरे में इतनी पावर होंगी। अरे फ्रैंकलिन छोड़ मुझे। गाइस देखिए वो जमीन में धंसता जा रहा है। ये ले तेरी, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रेड लावा टाइटन, तूने हमारे पृथ्वी के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तू बता पिंक टाइटन। अरे मुझे छोड़ दे फ्रैंकलिन, नहीं नहीं, अरे बचा। गाइस देखिए क्या हालत हो रही है इसकी। ये ले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इनका हल करूंगा। ग्रीन टाइटन, हे मेरे पास मत आना, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा, अब तू भी नहीं बचेगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं अबे छोड़ मुझे, ये क्या कर रहा है? गाइस देखिए, हमने हर एक ग्रीन टाइटन, पिंक टाइटन एंड रेड टाइटन एंड आइस टाइटन, गॉडफादर टाइटन, सबको हरा दिया। लेकिन एक मिनट गाइस, एक मुसीबत अभी बची है, उसको कहते हैं ईविल सुपरमैन, इससे और लड़ूंगा मैं। आ गया मैं फ्रैंकलिन, तुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। ईविल सुपरमैन कहां पर है तू? अपना चेहरा दिखा मुझे। तू क्या कर लेगा मेरा? हां स्टार्क, तुझे सुलाने की गोली लेकर आया हूं मैं, तुझे नींद नहीं आती है ना क्या? गाइस देखिए, हमारे टोनी स्टार्क ने ईविल सुपरमैन को बेहोश कर दिया। बेहोश नहीं, अब ये जिंदगी भर के लिए नींद में चला गया है, जब तक मैं ना चाहूं ये उठ नहीं सकता। वाह गाइस, और यहां पर देखिए ये तीनों भाई पूरी तरह से मैं इनको जमीन में दबा दूंगा। ऑलराइट दोस्तों, अब इतिहास गवाह होगा कि फ्रैंकलिन गॉड ओपी ने यहां पर सबको हराया था और मैंने भी तो हराया भाई ईविल सुपरमैन को। हां गाइस ये तो है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे लोग खोए, बहुत सारी फैमिलीज खोई, लेकिन फिर भी गाइस हमने आइस टाइटन का पूरा परिवार खत्म कर डाला। अब हमारी दुनिया से काला साया खत्म हो चुका है। क्या सच में साया खत्म हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है यार, इस्टा कैसे क्यों बोल रहा है, डरा मत मुझे। हां चल, हो गया होगा साया खत्म वैसे। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, सब ठीक है ना? मैं मजाक कर रहा हूँ, सब ठीक है। ओके गाइस, तो इस कहानी का एंड होता है। बाकी थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।